बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन चपली फ्राई बनाएंगे, या इसको चिकन पकौड़ा भी कह देते हैं, फ्राई कह सकते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लेके उसको इतने साइजेस में काट लिया है। उसके लिए मुझे इसको मैं पहले मैरिनेट करके रखती हूँ, जिसमें मैं एक टमाटर कटा हुआ बारीक बारीक और एक प्याज मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, साथ में तीन चार सब्ज़ मिर्चें डाल के वो मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। एक बंच के करीब, हाफ के करीब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ। एक चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ स्पून में हल्दी, हाफ वन टी स्पून के करीब मैं इसमें व्हाइट चिली पाउडर ऐड करती हूँ। वन टेबल स्पून जीरे और धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून व्हाइट ब्लैक पेपर और हाफ ही मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर, वन टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल के, डेढ़ कप मैं इसमें अब बेसन डालती हूँ। बेसन मैं इसमें इतना सा डालूंगी कि इसको मैंने सिर्फ कोटिंग करनी है इसकी, तो देखती हूँ मैं कितना इसके अंदर जाता है। अभी मैं पौना कप मैंने बेसन का लिया है इसके अंदर ऐड करके, तो मैं देखती हूँ उसको मिक्स करके। टू टेबल स्पून के करीब मैं और ऐड करती हूँ इसमें, इसको आधे घंटे के लिए मैं रख देती हूँ ताकि मसाले जो है वो चिकन जो है वो सारे मसाले उसके अंदर जज्ब हो जाएं। और मैं उस वक्त ना इसके अंदर ना लेमन जूस डालूंगी फिर जब मैं फ्राई करूंगी। कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड कर देती हूँ क्योंकि आधा घंटा हो गया हमारी चिकन को मैरिनेट होते हुए। इसके अंदर डालती हूँ पाउडर ऐड कर देती हूँ। और अब मैं इसको, ऑयल मेरा गर्म हो गया, मैं इसमें डालती जाती हूँ। फ्राई हो रहे हैं एक साइड से वो हो गए हैं, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ उनके साइड। चिकन चपली फ्राई हमारा फर्स्ट बैच बनकर तैयार है, मैं इसको निकालती हूँ। बाद में इसके अंदर ऐड कर देती हूँ।
हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे तो मैं इसको निकाल के फिर अगला बैग डालती हूँ। हमारा मज़ेदार चिकन चपली बनकर तैयार है। आप तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।